हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि लोगों को होम लोन देने वाला बैंक खुद किराए के मकान में क्यों संचालित होता है। आम आदमी बैंक से होम लोन लेकर अपने सपनों का घर बनवाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सभी बड़े बैंक खुद किराए के भवनों में खोले जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपना मकान बनाने की तुलना में किराए के मकान में रहना फ़ायदेमंद है। गौरतलब है कि भारत में अपनी प्रॉपर्टी होना सम्मान की बात मानी जाती है। इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं। साथ ही बैंक भी प्रॉपर्टी के आधार पर ही लोन देता है, तो फिर बैंक खुद किराए के भवन में क्यों रहता है? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। बता दें कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो ये समर्थन करे कि बैंक को किराए के भवन में ही संचालित किया जाना चाहिए, बल्कि ये एक पुरानी परंपरा है जिसका पालन लगातार बैंकों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही ये भी कारण है कि बैंक का मुख्य कार्य कम ब्याज दर पर पैसे लेना व ऊंची ब्याज दर पर उधार देना है, ना कि जमाकर्ताओं के पैसे से स्थायी संपत्ति में निवेश करना। इसलिए बैंक हमेशा कोशिश करता है कि किराए की बिल्डिंग में ही अपना कार्यालय खोले। वहीं जानकारों का मानना है कि ऐसा पॉलिसी की कमी के कारण है। प्रॉपर्टी के मामले में बैंकों को अपनी पॉलिसी बदलना चाहिए। जिस देश में आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायतों के लिए भवन है, उसी देश में बैंक के लिए भवन नहीं होता, जबकि प्रॉपर्टी की तो गारंटी होती है। वहीं दूसरी तरफ बाजार पर नज़र डालें तो केवल दो प्रकार के कारोबारी किराए के भवन में अपना कारोबार संचालित करते हुए मिलते हैं। नंबर एक, जिनके पास अपना भवन खरीदने लायक पैसा नहीं होता। नंबर दो, जो खुद को अस्थाई मानते हैं। प्रारंभिक रिसर्च के दौरान ऐसा कोई लॉजिक सामने नहीं आया जो बैंक को किराए के भवन में संचालित किए जाने की नीति का समर्थन करता हो। सिर्फ इतना पता चला है कि एक पुरानी परंपरा है जिसका पालन लगातार किया जा रहा है। शायद किराए के भवन में बैंक को संचालित करने पर बैंक के प्रबंधकों को कोई लाभ होता होगा, परंतु किसी दस्तावेज में किस प्रकार के लाभ का विवरण लिखा हुआ है वो किसी को नहीं मिला।